नमस्कार साथियों, मैं अभि सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, हमने आप सभी के बीच एक टेस्ट पेपर चलाया हुआ है कंडक्टर भर्ती को लेकर के, जिसका पेपर आप सभी को पता है 10 दिसंबर को होने वाला है। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ मॉक टेस्ट 2 लेकर के, और आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। तो आज का पहला प्रश्न रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा 1, 3, 8, 19, 42 और 99। अगला क्या संख्या आ सकती है? देखिए कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, आप ये देखिए। जैसे एक है, एक को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास 3 आता है ना। तो 3 को, अब 3 को यहाँ पे लीजिए, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 1 के बाद आता है बच्चों 2, तो 2 को ऐड करो यहाँ पे। 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8, तो देखिए 8 आ गया। अब 8 को लीजिए यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस कर दीजिए, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 3 कितने हो गए 19। अब 19 को लीजिए यहाँ पे, 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस कर दीजिए 4, तो 19 चौका होता है 38, 38 प्लस 4 42। अब 42 को लीजिए, 42 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 42 गुना प्लस 5 इसमें ऐड करना है, 42 गुना 84, 84 प्लस 5 89, 99। अब 89 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, प्लस करने है आपने 6, तो 9 दुनी 18 प्लस 1 होमसल जाएगा, 8 दुनी 16 और 1 17। अब 178 में जब 6 ऐड करोगे तो 184 आपका आंसर आता है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखो विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न जो है रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से है। देखिए प्रश्न क्या है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर राम सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय। देखिए एक लड़के की तस्वीर है, मान लो ये एक तस्वीर है, इस लड़के की तस्वीर को की ओर इशारा करते हुए श्री राम कह रहे हैं, ये श्री राम कह रहे हैं वह मेरी माँ के, मतलब राम की जो माँ है। मैं देखिए मेल को इंडिकेट करूंगा डब्बे के साथ, मेल है, फीमेल को मैं एक सर्कल लगाऊंगा फीमेल, और मैरिड कपल होगा तो उसको मैं दानेदार डब्बे के अंदर लिखूंगा दैट वॉज योर मैरिड कपल। देखिए अब बोला गया वह हम मेरी माँ के इकलौते बेटे, देखो माँ है तो मैं गोला लगा रहा हूँ फीमेल के लिए, गोला इंडिकेट कर रहा है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा कौन हुआ, राम स्वयं हुआ, इकलौते बेटे का बेटा, तो ये तस्वीर किसकी है, राम के बेटे की है। तो श्री राम उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, श्री राम उसके लगे हैं पिता, तो पिता मतलब फादर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए विद्यार्थियों, हमारे इसी चैनल पे कैलेंडर की एक डिटेल वीडियो आप सभी के बीच है, अगर किसी को कैलेंडर की में कोई दिक्कत है तो आप वो भी देख सकते हो। तो देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपने 15 तारीख लेनी है, अगस्त का कोड लेना, अगस्त का कोड क्या होता है, देखिए 12² + 0 + 5² + 0 + 6² + 12² + 2, ये ट्रिक होती थी, 12² = 144, 0, 25, 0, 36 एंड 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड है 3, तो 3 को यहाँ पे लिखिए। इसके बाद आता है साल के लास्ट के 2 डिजिट, 47 एज इट इज आ जाएंगे। इसके बाद आपने करना है 1900 में लास्ट की जो 2 डिजिट है इनको 0 कर देना है, तो 1900 बन गया, 400 के साथ करनी है डिवाइड, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सेंचुरी कोड, तो 400 चौका 1600, कितने बचे आपके पास 300, जब 300 बचता है शेषफल तो आपका कोड रहता था 6, तो 6 को अब यहाँ पे पुट करिए। इसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, 47 को लीजिए, 4 के साथ करिए डिवाइड, अब हम निकाल रहे हैं लीप ईयर, 4 के साथ डिवाइड करोगे 4 एकम 4, बचे कितने कुछ नहीं 7, तो नीचे 4 एकम 4, 3 बच रहे शेषफल के साथ, आपको कोई लेना देना नहीं, मतलब है 11, जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे पुट करिए 11/7। अब विद्यार्थियों प्लस करो, 47 में 3 प्लस करोगे 50 होंगे, 50 एक साइड लिख दीजिए, 15, 6, 21, 21 और 10, 31, 31 और 1, 32, यहाँ पे 32 आ गया, 2, 8, 82 आ गया। अब 82 को आपने डिवाइड करना है 7 के साथ, तो 7 एकम 7, बचे आपके पास 1, 2 उतारा नीचे, 7 एकम 7, आपके पास बच रहे हैं 5। देखो सैटरडे का कोड होता था 0, संडे का कोड होता था 1, मंडे का कोड होता था 2, ट्यूसडे का कोड होता था 3, वेंसडे का कोड होता था 4 एंड थर्सडे का कोड होता था 5। तो विद्यार्थी 5 से कौन सा डे है, थर्सडे, मतलब गुरुवार, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है,
कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी ये प्रश्न जो है आपका रीजनिंग का रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से आया है, रैंकिंग चैप्टर से आया है, क्रम व्यवस्थीकरण जिसे कहते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में देखो राकेश की बात की जा रही है, राकेश का स्थान ऊपर से बताया गया है और नीचे से बताया गया है। जब एक ही व्यक्ति का स्थान बताया जाए वो भी अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे ऊपर से बताया जा रहा है इसका स्थान यहाँ पे है राकेश, राकेश का स्थान ऊपर से है 9वां और नीचे से स्थान बताया गया है 38वां। एक ही व्यक्ति का स्थान जो है अलग अलग भिन्न भिन्न डायरेक्शन से बताया जाए तो आप क्या करोगे, दोनों पोजिशन को प्लस कर करके उसमें एक की माइनस करोगे, क्योंकि 9वें में राकेश है 38वें में भी राकेश है तो बहुत नंबर आ गया राकेश का, तो एक की माइनस कर दोगे तो 38 में अगर 10 ऐड करते 47, ये 47 बन रहा है आपका 9 और 38 माइनस 1 46 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। यदि दर्पण प्रतिबिंब 12 घंटे वाली घड़ी में 4:20 दर्शाती है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए आपकी कोई घड़ी है, उस घड़ी के समय में देखिए 12 एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह टाइम हो रहा है, देखिए 4:20 तो दोनों सुइयां आपकी जो होंगी वो 4 पे ही होंगी। आपने देखना है कि अगर यहाँ पे बीच में दर्पण लग रहा है तो दर्पण के पार जब घड़ी बनेगी उसमें कितना समय दर्शाया जाएगा। देखिए अगर आप, वैसे तो ये सिंपल सा प्रश्न है, मैं इसको ट्रिक के माध्यम से करवाऊं तो ट्रिक होती है 11:60 में से आपने टाइम को माइनस करना होता है, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, 11:60 में से टाइम को माइनस करिए आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो टाइम 11:60 में से टाइम दिए 4:20, इसको माइनस करो, 60 में से 20 गए 40, 11 में से 4 गए 7, 7:40 आपका सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर ये दोनों सुइयां यहाँ थी तो ये दोनों सुइयां इस साइड आ जाएंगी 7 पे, तो यूं करके होगा और ये टाइम गिन लो 40 ही बनेंगे, 7:40 आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर है। देखिए सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका के भी पूर्वी सॉरी उत्तरी उत्तरी अफ्रीका जो आपका है उस उत्तरी अफ्रीका का ये पार्ट है। सहारा वर्ड कहां से आया, देखिए सहारा वर्ड जो है अरबी भाषा का शब्द है, एक अरबी भाषा का शब्द है सहारा। इस सहारा का मतलब होता है मरुस्थल, वहां से ये लिया गया है। दुनिया का सबसे गर्म अगर मरुस्थल पूछा जाए तब भी अफ्रीका आएगा, और सबसे बड़ा पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल रेगिस्तान भी अफ्रीका है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय कब बना था। देखिए अगर मैं बात करूं 25 जनवरी 1950 को जो है हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, आर्टिकल 324 आप देख सकते हो इससे संबंधित है, इसमें इसकी संरचना की बात की गई है। देखिए चुनाव आयोग की जो स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, इससे एक दिन बाद जो है हमारे देश में संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को ही। देखिए जब 25 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उस समय चुनाव आयोग का एक मुखिया होता था, मुखिया कितने होते थे, एक होते जिसे हम ECI कहते थे, ECI मतलब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। लेकिन हमने क्या देखा, 15 अक्टूबर की डेट है, 15 अक्टूबर 1989 से ये बहुसदस्य बन गई, मतलब अब तीन व्यक्ति आ गए जिनमें से एक जो होता था जिसको हम चीफ ECI बोलते थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इसे के साथ दो सहयोगी बना दिए गए ECI जो इसके सपोर्ट के लिए थे। देखिए ये बहुसदस्य बन गया, अब तीन सदस्य वाली टीम बन गई। ये कब हुई, 15 अक्टूबर 1989 को हुआ, 16 अक्टूबर से ये फोर्स में आ गया और ये 89 में हुआ था, ये बात आपको क्लियर हुई है। और 25 जनवरी 1950 से एक बात आप और याद रखते हो कि 25 जनवरी 1950 को ये चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, और 25 जनवरी को हम हर वर्ष मतदान दिवस मनाते हैं। मतदान दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय मतदान दिवस आप इसको बोलते हो। किसने मनाना शुरू किया था, 2011 में जो हमारी राष्ट्रपति थी, कौन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल ने यह काम शुरू किया था कि भारत में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका 1989 सही आंसर रहेगा। कितने सारे प्रश्न आपके मैंने यहां बना दिए। चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया। देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 1757 में बताया था एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम मैंने क्या बताया था आपको विद्यार्थियों,
प्लासी की लड़ाई, मैंने डिटेल में बात की है कि प्लासी की लड़ाई क्यों हुई थी। आज पूछा गया बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। मैंने कहा था कि 1757 में जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की लड़ाई होती है, रॉबर्ट क्लाइव और आपका सिराजुद्दौला जब लड़ते हैं, तो सिराजुद्दौला का जो आपका सेनापति होता है मीर जाफर, वो मीर जाफर अंग्रेजों के साथ सांठ गांठ करके सिराजुद्दौला को हराने का प्रबंध करता है। क्यों करता है? क्योंकि मीर जाफर चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठूं, और जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद मीर जाफर अपनी बातें मनमाने लगा और अंग्रेजों की बातों को निखारने लगा। इसके बाद मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया गया, मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम ने भी अंग्रेजों की बातों को नहीं माना, तो मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफर को बना दिया, और मीर कासिम कहां गया? हट गया। तो मीर कासिम हो गया गुस्सा। जब ये गुस्सा हुआ तो ये गया उस समय अवध के नवाब के पास, अवध का नवाब, अवध का नवाब। इस अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। उस समय अवध में नवाब थे सुजाउद्दौला। ये सुजाउद्दौला के पास जाता है और बोलता है कि मीर कासिम क्या आप मेरी हेल्प करो, हमने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ना है। लेकिन सुजाउद्दौला मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारे अकेले की बस की बात नहीं है कि हम अंग्रेजों की सेना को हरा दे, ऐसे करते हैं हम भारत के मुगल सम्राट के पास चलते हैं। तो ये दोनों मिलकर के जाते हैं मुगल सम्राट के पास। उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट थे शाह आलम। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड उस समय मुगल सम्राट थे। तो ये मुगल सम्राट के पास जाते हैं कौन? सुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये जाकर के बोलते हैं कि हमने ऐसे ऐसे युद्ध लड़ना है, अंग्रेजों को हराना है, तो आप हमारी हेल्प करो। तो ये शाह आलम जो है मान जाता है। तो 1764 में युद्ध होता है बक्सर का। इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ होती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ होते हैं त्रिगुट। कौन होता है? त्रिगुट। त्रिगुट में कौन कौन बच्चे? एक अवध का नवाब आपका सुजाउद्दौला, एक भारत का नवाब जिसको आपने शाह आलम बोल दिया, और एक आपका मीर कासिम। ये तीन बंदे युद्ध लड़ते हैं किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मुनरो जो थे, हेक्टर मुनरो, इन्होंने युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज जीते थे, और भारत में अंग्रेजों की ये सबसे बड़ी जीत थी। तो यहाँ पे आपके कितने सारे प्रश्न मैंने अंग्रेज हिस्ट्री से रिलेटेड बना दिए, इन सभी को नोट करिए और मद्देनजर रखिए। चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। इसका 1764 जो है सही आंसर रहेगा। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष, जिसे सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये सारनाथ पे स्थित है। चलते हैं मौर्य काल को आगे मैं समझाऊंगा भी। तो ये 9वें प्रश्न का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो ऑप्शन ए लुम्बिनी में जो है भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ है। चलते आज के 11वें प्रश्न की ओर। अत्यधिक में कौन सी संधि है? देखिए अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अति दूसरा अधिक, अति जमा अधिक। देखिए अति में लास्ट जो ध्वनि है वो ई की है, छोटी ई, और यहाँ पे शुरुआती ध्वनि है अ। जब कभी ई और अ मिलते हैं तो ये मिल करके य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? य का निर्माण। और ऐसी संधि को हम यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। तो ये यण संधि, तभी देखिए अब अति जमा अधिक जमा होगा, ई और अ मिलके य का निर्माण करेंगे। जैसे अ यहाँ पे त था, आधा त आएगा, ई और अ ने मिलकर य बना दिया और आगे अधिक, अत्यधिक। तो ये शब्द बना, इसमें यण संधि होके बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए उच्चारण शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उत जमा चारण, उत जमा चारण, ऑप्शन डी सही है। कौन सी संधि हो रही है इसमें? इसमें व्यंजन संधि हो रही है, व्यंजन संधि। क्यों व्यंजन संधि? बच्चों देखिए इसमें शुरुआत लास्ट जो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि है वो त है, और त एक व्यंजन है, और दूसरे शब्द की शुरुआती ध्वनि च है, च भी एक व्यंजन है। तो व्यंजन व्यंजन आपस में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है ब्रज भाषा क्या है? देखिए ब्रज भाषा कहाँ की भाषा? पहली बात तो ये पश्चिमी भाषा है, पश्चिमी हिंदी भाषा है। ये एक ग्रामीण भाषा आप इसको बोल सकते हो, एक प्रकार की ग्रामीण भाषा है। किस एरिया में बोली जाती है? तो भारत के मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान के एरिया में हो गया, या आपका उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, उत्तराखंड का एरिया हो गया, इस सारे एरिया में ये भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा एक पश्चिमी भाषा है। चलते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। मगही किस भाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। देखिए जो आपने अगर कभी सुनी हो भोजपुरी भाषा जो है, भोजपुरी होगी या मैथिली होगी,
ये मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा जो है ये सभी मगही भाषा से निकली है, और ये मगही भाषा जो है पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अपभ्रंश के भी प्रकार बच्चों, अपभ्रंश जो है हिंदी का विकास बोलते हैं, अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और अपभ्रंश की जैसे हिंदी में खड़ी बोली एक भाषा है, हिंदी की एक बोली है जिस बोली को बोलते हैं खड़ी बोली। इस खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो अपभ्रंश की जो शोर श्रेणी एक ब्रांच है, इस ब्रांच से हिंदी की खड़ी बोली का जो है विकास हुआ है। और अगर प्रश्न आए हिंदी का विकास किससे माना जाता है, तो हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। ये एक इतिहास है। सबसे पहले आपको अगर बात की जाए तो वैदिक संस्कृत आई थी, जब वैदिक संस्कृत आई तो वैदिक संस्कृत को थोड़ा आसान बना करके संस्कृत बनाया गया। इस संस्कृत से जाकर के प्राकृतिक भाषा आई, प्राकृतिक भाषा के बाद पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद आपकी अपभ्रंश आई, और इस अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी भाषा आई। तो देखो अगर आपको बात करूं, जब वैदिक संस्कृत की बात होती है तो यहाँ पे 64 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 64 वर्ण थे। संस्कृत में 64 वर्ण आते हैं और हिंदी में 44 वर्ण है। तो बच्चों भाषा जो क्या की जाती है, भाषा को आसान बनाया जाता है। देखिए आसान बनाया गया, पहले 64 थे अब 44, लगभग 20 वर्णों की कमी आई। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई है। चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पूर्ण संरचना कब की गई? 1956 में ऐसा किया गया, पूर्ण संरचना की गई भारतीय राज्यों की भाषा के आधार पर। चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, इंग्लिश में हम देखेंगे। रवि डैश हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। तो देखिए स्ट्रक जो है यहाँ पे शब्द रहेगा, स्ट्रक मतलब मारना, सर जो है दीवार के साथ मारा, स्ट्रक वर्ड यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। इट इज 14 इयर्स सिंस आई सॉ हिम। वो मतलब मैंने तब देखा था उसको जब वो 14 साल का था। तो देखा था मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल सेंटेंस की, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। और इंडेफिनाइट टेंस में बच्चों क्या होता है, जब सिंपल सेंटेंस का यूज किया जा रहा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉ। तो क्या आएगा? इट इज 14 इयर्स सिंस आई सॉ हिम। चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। आई विल बी डैश अ लॉस इन दिस डील। बच्चों अ लॉस जब भी आपको दिखेगा तो इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज की जाती है वो एड रहती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब कभी जीवन में लॉस आए तो इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज की जाएगी वो एड होगी। चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। व्हाई डोंट यू सिट डैश मी। देखिए इसमें क्या आ सकता है, देखिए क्लोज प्रेपोजिशन तब यूज की जाती है जब आपके नजदीक किसी चीज की बात हो रही हो, नियर, ठीक है। बिसाइड वर्ड तब यूज किया जाता है जब आपके साइड में किसी को बिठाना हो, आगे पीछे बिठाना हो, तो बिसाइड यहाँ पे बिसाइड ही आएगा। वैसे अगर अलोंग, अलोंग वर्ड यूज तब किया जाता है जब आप एक लाइन के अलोंग बात करोगे कि मेरे पीछे बैठ, सीधा मेरे आगे बैठ, मतलब अलोंग वर्ड एक सीधी रेखा में यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड तब यूज होता है जब कभी किसी आने वाले चीज के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। अलोंग तब होगा जब रेखाओं की बात होगी, क्लोज तब जब बिल्कुल आसपास नियर बाय बैठना हो, कोई आपको पॉइंट दिया गया हो कि नियर इसके बैठिए, उसके क्लोज बैठिए, और यहाँ पे आने वाला है बिसाइड प्रपोजिशन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज का मॉक टेस्ट 2 पेपर यहीं तक। चल मिलेंगे आपके साथ तीसरे मॉक टेस्ट में। इसी साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।